सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होने पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दूर दूर से दाई दीदी बहनी मल्ला जोहार और बम्बलेश्वरी मैया और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने बचपन में पिट्ठुल, गिल्ली डंडा और कंचे सभी खेल खेले हैं। आधुनिक भारत की नींव यहीं डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपके पहचान की मिसाल है। आधुनिक भारत की नींव यहीं पर डली। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व सेवा भावी है, वे आप सभी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भिलाई की पहचान स्टील प्लांट से है, इसे नेहरू जी ने बसाया था। मातृशक्ति को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब जन एक साथ, छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, काबर के यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमार माता बहनी मन, हमार परिवार में, समाज में महिला मल्ल हमेशा ऊंचा स्थान मिले है। लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हमार छत्तीसगढ़ में। घर के काम काज हो, नौकरी चाकरी हो, रोजगार धंधा हो, सब में महिला मन आगू है। हमारे एमआर निषाद जी बैठे मछरी झोले पर एमन जाही और हमार मछंदरीन मन है वो बेचे पर जाही। पटेल मन टेढ़ा टेढ़ी तो पटेलीन मन बाजार करे पर जाही। राउत मन दूध दुही गरवा चराही तो रौतैन मन है फिर दूध बेचल जाए। तो शुरू से छत्तीसगढ़ में महिला मल्ला हमेशा बराबरी के स्थान मिले हैं, घर में, परिवार में। आज महिला समृद्धि सम्मेलन और ये सम्मेलन के माध्यम से अभी हमार जैसे कनीला भाभी बताई, दीपक बैज भी बताई, महाराज साहब भी बोलिस कि आज घर ला चलाए के काम महिला मन करते, लड़का मन के देख रेख से लेके और पढ़ाई लिखाई तक, सियान मन है तो कर मन के इलाज दवा पानी करे के काम, घर में यदि काम करैया है तो कर भोजन और टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन करते। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान गौन करना है सब महिला मन के जिम्मा रहते। नौकरी भी करे थे तो पहली चाय नाश्ता कर ली, सब के भोजन मरा ली, तब वो जाके 10 बजे फिर नौकरी में जाए। आई तान फिर उत्ता धुर्रा थोक बहुत आराम करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन के व्यवस्था महिला मन के हाथ में। तो आज एकर मन की ही काम, कभू गौ पालन से एकर मन के मतलब नहीं रही, किसान मन के आय दुगुना करे कोई मतलब एकर मन के कभू नियत नहीं रही से, ये मन तो अड़ंगा डाले काम करे। आज हमार छत्तीसगढ़ में हमार बहुत सारे मितानिन बैठे है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है मन खूब रमन सिंह से आंदोलन करे, कभू 500 रुपये बढ़ाए, कभू 1000 रुपये बढ़ाए। 15 साल में 5000 रुपया हो रही से, हमार 5 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के 5 से बढ़ा के 10 हजार कर दे। सहायिका मन के 7500 रुपया, मितानिन मर पर 2200 रुपया मान दे देन। आज हमार मितानिन बहनी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बड़े संख्या में हमारे यहाँ है, वो मन खूब आशीर्वाद दे थे। वो मन कहा थे भैया जैसे तुम हम अल्लाह खुश कर दे और वैया समय में हमू मन तुम अल्लाह खुश कर दे। वो कह नहीं कह, हाथ उठा बताओ भाई मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन यू तरफ वाली मना। तो आज चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उनपद संग्राहक हो, चाहे बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, चाहे वो सास की सेवक हो, ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू होए, डीए जतका केंद्र सरकार के तत्का डीए बढ़ाएं, केंद्र सरकार देश शुरू नहीं करे हमार सरकार देवत। तो लगातार प्रयास, अभी हमार अनिला भाभी बताई कि जिन स्व सहायता समूह मन के कर्जा हमन माफ करें और ओकरे साथ साथ बहनी मन ल सशक्त करे बर, जहां
सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला। और महिलाएं की मीटिंग है, महिलाओं की मीटिंग है, तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली। और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं। और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सब ने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है। और आप यहां बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति अफसोस की बात है लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि यह बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशो भूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए, 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए। इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, खेती उसके लिए एक लाभ का जरिया बन गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान त्रस्त है, परेशान है,
महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है। गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, इनके किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है। मिलेट, जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा, आज उसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है।